अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया एक और मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है। पिछले सप्ताह कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में अपना नया क्वांग मयोग सॉन्ग 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है और वो इसे मोबाइल ट्रांसपोर्टर एरेक्टर लॉन्चर की मदद से लॉन्च कर सकता है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ और ही खुलासा होता है। ये तस्वीरें 23 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच की हैं, जिनके मुताबिक वास्तव में उत्तर कोरिया की ओर से किसी सैटेलाइट लॉन्च की नहीं बल्कि एक रॉकेट इंजन टेस्ट की तैयारियों के संकेत मिलते हैं। हालांकि इन तस्वीरों को उत्तर कोरिया के प्रोपोगेंडा अभियानों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तस्वीरें नियमित मेंटेनेंस और रिपेयर गतिविधियों से जुड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया का एक मिसाइल हादसे का शिकार हो चुका है और वो फिर से ऐसा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की चंद मिनटों बाद ही उत्तर कोरिया के ही एक शहर में जा गिरी थी, जहां करीब 2 लाख की आबादी है। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल लॉन्च की तैयारियों की खबर ऐसे समय में आई है जबकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सुलह के संकेत मिल रहे हैं और दोनों देशों ने आपसी बातचीत पर भी सहमति जताई है। हालांकि अमेरिका को लेकर उत्तर कोरिया का तल्ख रुख अब भी बरकरार है। टीम इंडिलिंक्स।